दुनिया दो ही लोगों को याद करती है, महात्मा और तानाशाह। महात्मा सुनते ही मन में आमतौर पर महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन तानाशाह सुनते ही आप क्या सोचते हैं? चंगेज खान से लेकर युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन, एडोल्फ हिटलर और किम जोंग उन। इस दुनिया ने कई तानाशाह देखे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा तानाशाह भी था जिसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी दोस्त बनाए। एक तानाशाह जिसे नरसंहार मामले में दोषी पाए जाने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। एक तानाशाह जिसे कुछ लोग इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक और कुछ लोग हीरो मानते थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसे दरिंदे अत्याचारी के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बाद आप सिर्फ सद्दाम हुसैन को ही याद करेंगे। जिसके बाद अगर आपके दिमाग में डिक्टेटर्स का ख्याल आएगा तो आप सिर्फ सद्दाम हुसैन को ही याद करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सद्दाम हुसैन ने दो दशकों से अधिक समय तक इराक पर शासन किया। सद्दाम के मानवता के खिलाफ दोषी पाए जाने के बाद 30 दिसंबर 2006 को स्थानीय समय के अनुसार 6 बजे उत्तरी बगदाद में फांसी पर लटका दिया गया था। इराक में फांसी के बाद मानो बरसों का त्योहार किसी बंधन से मुक्त हो गया हो। हर तरफ लोग जश्न मना रहे थे, हवा में फायरिंग कर गले मिल रहे थे। सद्दाम को 1982 के दुलैज नरसंहार का दोषी पाया गया था। इस दौरान उसने 148 शियाओं को मार डाला था। 605 पन्नों की कुरान 26 लीटर खून से लिखी गई। सद्दाम हुसैन को 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना द्वारा इराक पर आक्रमण करने के बाद सत्ता से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनका शासन अत्यधिक विवादास्पद रहा। इंटरनेट पर अपनी जवानी की तस्वीरों में सद्दाम ज्यादातर सूट बूट और क्लीन शेव में ही नजर आता है। उसने इराक में कई बड़ी मस्जिदें बनवाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन के जीवनी लेखक कोन कफलिन ने लिखा है कि सद्दाम द्वारा बनाई गई मस्जिद में उनके खून से लिखी गई कुरान रखी है। इस कुरान के सभी 605 पन्नों को कांच के फ्रेम में रखा गया है ताकि लोग इसे देखें। मस्जिद के मौलवी के मुताबिक सद्दाम ने इसके लिए 3 साल तक अपना 26 लीटर खून दिया। यहाँ तक कहा जाता था कि सद्दाम हुसैन जो खाना खाने वाले होते थे उस खाने की जांच होती थी। परमाणु वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम पर किताब लिखने वाले अमाजिया बारम ने अपनी किताब में लिखा है कि सद्दाम हमेशा जहर खाकर खुद के मरने से डरता था, क्योंकि उसके कई दुश्मन इसी तरह मारे गए थे। परमाणु वैज्ञानिकों की एक टीम सद्दाम के महल में खाने के लिए आने वाले मांस में जहर की जांच करती थी। सद्दाम के पास लगभग 20 महल थे। सद्दाम महल में मौजूद था या नहीं इस पर ध्यान दिए बिना हर एक दिन 3 बार भोजन बनता था। सद्दाम अपने पहनावे को लेकर बहुत सावधान रहता था। वो कभी भी किसी सार्वजनिक मंच पर चश्मा पहनकर नहीं गया। जब उसे भाषण देना होता था या लोगों के सामने संबोधन देना होता था तो भाषण उसके सामने कागजों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, इतना बड़ा कि पृष्ठ पर केवल 2 या 3 पंक्तियां ही आ सकती थीं। इस तानाशाह के गुस्से का शिकार हुए अफसर सद्दाम के मंत्रिमंडल के कई सदस्य उनकी सनक के शिकार हो गए। एक बार एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुंह से सद्दाम के लिए कुछ अनुचित निकला, जिसके बाद सनकी तानाशाह ने अधिकारी को और उसके बेटे को मौत की सजा देने की सजा सुना दी। इतना ही नहीं, अधिकारी का घर तोड़ दिया और उसकी विधवा बीवी और अन्य बच्चों को सड़क पर फेंक दिया गया। इसी तरह एक कैबिनेट मंत्री को बैठक के दौरान घड़ी देखते हुए सद्दाम ने देखा। बैठक के बाद मंत्री से पूछा गया, क्या आप जल्दी में हैं? मंत्री को 2 दिनों तक एक ही कमरे में कैद किया गया और फिर सद्दाम का अपमान करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया गया। दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा सद्दाम के लिए अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के साथ 20 साल तक सद्दाम के अंग रक्षक रहे कामेल हन्ना जेनजेन ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें जहर नहीं था, उसे परोसे जाने वाले भोजन का स्वाद चखा। खास बात यह है कि वो सद्दाम के लिए खाना बनाने वाले रसोइये का बेटा था। उसे सद्दाम का खाना भी चखना पड़ा, क्योंकि सद्दाम जानता था कि रसोइया उसके खाने में कभी जहर नहीं मिला सकता, क्योंकि उसका बेटा उसे पहले चखता है। सद्दाम की सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार उसके जबरन वसूली करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसकी जगह होती थी। उसे इराकी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था। सद्दाम इलाज के लिए विदेश जाता था। फांसी से पहले से लेकर अमेरिकी सैनिक भी उसकी फांसी के आखिरी दिनों में सद्दाम की रक्षा के लिए तैनात किए गए। अमेरिकी सैनिक उसके जीवन के अंतिम मित्रों में से थे। उन सैनिकों को सुपर 12 कहा जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विल वार्डन वर्पर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उसकी रक्षा करने वाले सभी सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। पुस्तक में एक सैनिक एडम रोजर्सन को ये कहते हुए कैद कर लिया गया कि उसने सद्दाम को कभी हत्यारे के रूप में नहीं देखा, वो उसे अपने दादा की तरह दिखता था। पुस्तक में लिखा है कि अंतिम दिनों में उसका व्यवहार किसी क्रूर शासक के विपरीत अत्यंत विनम्र था। सद्दाम ने भी अपने बेटे की कहानी सुनाई। एक बार उनके बेटे ने पार्टी में फायरिंग कर दी
जिसमें कई लोग मारे गए। सद्दाम ने अपने बेटे को दंडित करने के लिए अब कारों में आग लगा दी। सद्दाम जोर जोर से हंस रहा था और उसने लाखों महंगी कारों को जलते देखा। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, एक अमेरिकी सैनिक ने बताया कि जब उसका भाई मारा गया तो सद्दाम ने उसे गले लगा लिया और कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। सद्दाम सैनिकों से उनकी निजी जिंदगी के बारे में पूछता था। धीरे धीरे अमेरिकी सैनिकों और सद्दाम हुसैन के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम होता गया और जेल में सकारात्मक माहौल बन गया। सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इन सैनिकों ने शोक जताया। फांसी लगने के बाद लोगों ने उसके शव के साथ बदसलूकी की। अमेरिकी दुश्मन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद ये सैनिक इतने उदास हो गए कि इनमें से एक ने तो सेना से इस्तीफा भी दे दिया। सद्दाम अपनी फांसी से पहले बहुत निराश था। सद्दाम को उम्मीद थी कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी। जेल से छूटने के बाद वो एक महिला के प्यार में पड़ना चाहता था। वो एक बार फिर से शादी करना चाहता था। मौत जब जागी तो टूट पड़ा तानाशाह। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन आजादी की आस में सुबह 3 बजे उठा और कहा कि जल्दी से जल्दी उसे फांसी पर लटका दिया जाए। बाध्यकारी इरादे वाले क्रूर तानाशाह ने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया, शायद इतना कमजोर जितना वो कमजोर पहले कभी नहीं था। हमेशा कड़ी सुरक्षा में रहने वाला और कई बार मौत को चकमा देने वाले तानाशाह को जगाने के लिए मौत खुद आ गई थी। सद्दाम ने कहा, फांसी की तैयारी करो। सद्दाम हुसैन को आखिरकार सुबह 6 बजे फांसी दे दी गई। वहीं आपको बता दें कि सद्दाम का निजी जीवन काफी विवादित रहा। दरअसल सकरा नाम की महिला सद्दाम की प्रेमिका थी। सद्दाम और शकरा के बीच का रिश्ता कुल 30 सालों तक का था। इसी बीच शकरा ने कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार वो तानाशाह के कब्जे में आ जाती थी। उसने बताया था कि कैसे तानाशाह ने उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में डाल दिया था। शकरा की मुलाकात सद्दाम से 1968 में हुई थी। सद्दाम के भाई के घर में दोनों के बीच संबंध बने थे। वहां से आने के बाद शकरा सद्दाम को भूल गई, लेकिन तानाशाह की नजर शकरा पर थी। जब शकरा ने इराकी बिजनेसमैन से शादी की तो सद्दाम ने उसके पति को जेल भेज दिया और उसे अपने पास बुलवा लिया। इसके बाद शकरा को इस्लाम कबूल करवाया और पति से तलाक करवा कर सद्दाम का मन बहलाने के लिए उसे रख लिया गया। बदले में उसे बंगला और पैसा भी दिया गया, लेकिन प्यार करने के साथ साथ सद्दाम शकरा पर हाथ भी उठाता था, जिसके कारण धीरे धीरे उसके दिल में सद्दाम की छवि बिगड़ने लगी थी। शकरा के दिल में सद्दाम के लिए नफरत तब भर गई थी जब उसके बेटे उदय ने शकरा की बेटी से दुष्कर्म किया था। शकरा विरोध नहीं कर पाई और माँ बेटी दोनों लगातार जुल्म सहती रहीं। लेकिन इसके बाद शकरा ने सद्दाम के विरोधियों से हाथ मिला लिया और उसके चंगुल से भाग निकली। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्रूर और अत्याचारी तानाशाह के बारे में, जिसके बारे में लोगों के दिलों में कहीं प्यार तो कहीं नफरत थी? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।